बाबा कहते, बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो, चेक करो। आज हम सभी बाप दादा से मिलन मनाते हुए इसी बात का अभ्यास करेंगे, सूक्ष्म चेकिंग भी करेंगे। मैं बिंदु बन बिंदु बाप से मिलन बनाने वाली मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। इस स्वमान की गहराई में अनुभूति करेंगे। सभी पहुंच जाए डायमंड हॉल में, गुलजार दादी जी बैठे हुए हैं सामने, और भोग लग रहा है। बाबा को
डायमंड हॉल में सभी दादियाँ, सभी वरिष्ठ भाई बहनें के साथ बैठे हुए इस दृश्य को निहारते हुए गुलजार दादी जी स्टेज पर हैं और बाप दादा को भोग लग रहा है। अपने बीज रूप स्वमान का अभ्यास जारी। देखे स्वयं को डायमंड हॉल में बाप दादा से मिलन मनाने के पार्ट अनुसार चलते हैं। ऊपर परमधाम में आह्वान करेंगे शिव पिता का परमधाम में। बाबा को निमंत्रण देंगे मेरे प्यारे बाबा मेरे मीठे बाबा मुझसे मिलन बनाने मुझे ज्ञान की लोरी सुनाने नीचे आ जाओ मेरे प्यारे बाबा। मेरे आह्वान को स्वीकार कर सृष्टि के नियंता त्रिमूर्ति रचयिता परमपिता परमात्मा शिव नीचे आ रहे हैं। सूक्ष्म वतन में ड्रामा अनुसार निश्चित अपने आकारी ब्रह्मा तन को धारण कर
बाप दादा नीचे साकार लोक में आ रहे हैं। देखें उस दृश्य को, महाज्योतिष्य बाबा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर को धारण कर नीचे साकार लोक में आ रहे हैं। पधार रहे हैं वो सर्वशक्तिमान महाज्योति, विश्व को सदगति की राह दिखाने पधार रहे हैं। वरदानों के भंडार, सभी को वरदानों से भरपूर करने आनंद लेंगे इस अति दुर्लभ अकल्पनीय अविस्मरणीय अलौकिक दृश्य का। तीनों लोकों के मालिक, सृष्टि चक्र की सर्वोत्तम महानतम आत्मा ब्रह्मा बाबा के आकारी तन का आधार लेकर मुझ पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा के निमंत्रण को स्वीकार कर साकारी दुनिया में मुझसे मिलन मनाने आ रहे हैं। निहारते रहें आकारी ब्रह्म तन में विराजमान परम पिता परमात्मा निराकार शिव को सूक्ष्म वतन से उतर कर नीचे आते हुए और नीचे डायमंड हॉल में बाप दादा के साकारी माध्यम दादी गुलजार जी के तन में प्रवेश कर रहे हैं। शिव बाबा आ गए हैं डायमंड हॉल में। अनुभव करेंगे बीज रूप शिव बाबा को, ओरिजिनल निराकारी स्वरूप में ही
शिव बाबा के प्रवेश करते ही साकारी तन जैसे कि लुप्त हो गया है। शिव बाबा निराकारी स्वरूप में ही मेरे सम्मुख है। मैं आत्मा भी अपने साकारी तन को छोड़ अव्यक्त स्थिति में स्थित हो बिंदी बन बिंदी बाप से मिलन मना रही हूँ।
बिंदु बनकर बिंदु बाबा से सुन रहे हैं। बाप दादा की लगातार किरणें मुझ पर पड़ रही है।
बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बिंदु बाबा के सामने मैं बिंदु आत्मा शिव बाबा के असंख्य स्नेह की किरणें शिव माँ का आंचल बनकर मुझे अपने में समाती जा रही है। कितना असीम आनंद का अनुभव हो रहा है। कितनी शीतलता और निश्चिंतता है शिव माँ के प्यार भरे आंचल में। शिव पिता से निकलती असंख्य शक्तियों की किरणें मुझ बिंदु आत्मा पर पड़ रही है। इन किरणों का स्पर्श पाकर मैं आत्मा बहुत हल्की होती जा रही हूँ। मेरा स्वरूप अत्यंत चमकदार और शक्तिशाली बनता जा रहा है।
ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बाबा ने अपनी सर्व शक्तियों को समाने की ताकत मुझ में दे दी है। बाबा से निकलती सर्व शक्तियों को स्वयं में समा लेना अर्थात बाप को स्वयं में समा लेना मैं बिंदु आत्मा बाबा को स्वयं में समाती जा रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों का पुंज बनते जा रही हूँ। बिल्कुल लाइट होती जा रही हूँ। माइट स्वरों बनती जा रही हूँ। मैं बीज रूप बाप की संतान
मास्टर बीज रूप बनती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया है। मैं तृप्त हो रही हूँ। मैं संतुष्ट हो रही हूँ। लगातार बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, क्योंकि बाबा आज मेरे निमंत्रण पर आए हैं, खास मुझसे मिलने आए हैं। बाबा की पवित्रता की किरणें मेरे चारों तरफ लगातार एक घना सर्किल बनाती जा रही है। मैं निश्चिंत होती जा रही हूँ।
मैं संपूर्ण बन रही हूँ। आपने मुझे भरपूर कर दिया है बाबा। Thank you.
लगातार बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विदाई ले रहे हैं। उसका खिलता है तुम्हारा प्यार।
जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन, दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो, तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है तुम्हारा प्यार, ओ बाबा। Thank you.
अच्छा।